नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरा में घरेलू विवाद ने धारण किया खूनी रूप, एक व्यक्ति की हुई मौत। जालंधर के गांव रायपुर रसूलपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों ने हत्या का लगाया आरोप। अमृतसर में एक सनकी डॉक्टर ने एसी मैकेनिक पर चलाई तो बाद इन्होंने पैसे लेने थे, इन्होंने फोन करके मेरे ब्रदर को उठे बुलाया। और अब हलचल विस्तार से। कुछ पलों का गुस्सा किसी की जान भी ले सकता है, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जीरा के सिंह सभा रोड से, जहां एक घर में पारिवारिक सदस्यों में हुई आपसी झड़प ने खूनी रूप धारण कर लिया, जिसमें घर के मालिक की मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल जीरा में तैनात डॉक्टर हर्ष वर्मा ने बताया कि कुछ समय पहले उनके पास एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हालत में लाया गया था, जिसका नाम रशपाल सिंह है, जिसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन उक्त व्यक्ति का खून अधिक बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। वो जड़ा आया सी पेशेंट, वो सिंह सभा गुरुद्वारे लागो आया सी, ओदे नेबर्स लेके आए सी, उन्होंने काफी ज्यादा डूंगिया सट्टा सूरे शरीर के ऊपर, उस तो बाद नेबर भी छड़ के चले गए। असी सारी बनदी कार्रवाई की, पेशेंट को बचा ली, पर बच नहीं पाया पेशेंट। नाम से रशपाल सिंह, सन ऑफ सुखमंदर सिंह, रेजिडेंट ऑफ जीरा नियर सिंह सभा गुरुद्वारा, 45 के जालंधर के रायपुर रसूलपुर गांव के निवासी प्यारदीप सिंह घोटी ने प्रेस बयान जारी कर पुलिस पर उनके बेटे प्रभजोत सिंह घोटी की मौत को दुर्घटना बताकर मामला दबाने का आरोप लगाया है। तो वहीं घटना 4 सितंबर 2024 की है, जब प्रभजोत सिंह जिम से घर लौट रहे थे। तो वहीं किशनगढ़ से लौटते समय टिंडा बेहड़ा पैलेस के पास 4-5 अज्ञात हमलावरों ने प्रभजोत पर हमला कर उनकी एक्टिवा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं प्यारदीप सिंह के अनुसार घटनास्थल पर प्रभजोत की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने घटना की जानकारी परिवार को दी, जिसके बाद परिवार ने थाना मकसूदा में शिकायत दर्ज करवाई। तो वहीं पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे दुर्घटना करार दिया, लेकिन परिवार का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। वहीं प्यारदीप सिंह ने बताया कि उनके बेटे पर इससे पहले भी 3 हमले हो चुके हैं, जिनकी शिकायतें पुलिस में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस अब इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और दोषियों को बचाया जा रहा है। परिवार ने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन ब्रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं मुंडे का ताया हूँ। मेरा साडा लड़का 19 साल का बल्ला जिम तो आ रहा है, रास्ते में जम्मू तो बल्ला तो जो रापुर आ रहा है, तो 4-5 अणपछाते व्यक्ति ने वह घेर रोक के वह कतल कर दिता, क्योंकि पुलिस वाले एक्सीडेंट शो करने की कोशिश कर रहे, लेकिन एक्सीडेंट कम मर्डर ज़्यादा। उस मुंडे जिन्हें भी लोग उत्ते आए आ तकरीबन सारे ने कहा जी ये मर्डर आ, और है भी सारे मर्डर, क्योंकि इस मुंडे के 3 पहला भी हमले हो चुके हैं। अभी उस टाइम भी हर बार पुलिस ने इतलाह की है, पुलिस ने उदो भी कोई जो चाहते थे जो उदो रुक जाता, जिदा स्कॉर्पियो गड्डी रावली लागे मुंडे को घेरिया, 7 जने सी जी बच्चे, उन्होंने हत्था जो हथियार से उन्हें बीर दिन बोतल फड़िया ही नाल, होर मुंडा से वह भी जी इतने नाले बेटा, तो यह रावली उन्होंने किसी के घर गेट खिला के गड्डी ने अंदर वाड़ ली, उन्होंने पता नहीं लगा वो निकल गया। उस तो बाद फिर नहर से ये मुंडे को पछाण के मारी स्कूटरी के ग्डी जी मारने की कोशिश की, इन्हें छाल मार के बच गया, स्कूटरी टुट गई। फिर तीजी बारी फिर इन्हें कोशिश की, फिर ये मोटरसाइकिल से मारी ग्डी जी बच गया। अभी बार बार पुलिस की यही बेनती उदो भी करते रहे कि यह जी पता करो भी साढ़े मुंडे को मारने की कोशिश कर। सर कोई पुरानी रंजिश वगैरह सी इन्हों के नाल? हाँ जी सर, साढ़े है जी रंजिश। तो इस बारे तुम पहले कंप्लेट वगैरह की कोई इतने थाने के? सर अभी हर बारी पुलिस को जाके दसते रहे कि सानू इन्हों तो खतरा आया, साढ़े ने इन्हों परचे भी हुए आ, सानू जेल च भी इन्होंने मारने की कोशिश की आ, उत्थे भी इन्होंने साड़िया सुपारियां दिखाई, जिन्होंने ये देंदे रहे सानू आप आ के दसते रहे कि 5-5 लाख रुपया कहें
कि इन्हों करो तो वीडियो बना दो आ कर दो। लेकिन अमृतसर में आए दिन गोली चलने की वारदातें आम होती जा रही हैं और अब डॉक्टरों द्वारा भी गोलियां चलाकर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ताज़ा मामला अमृतसर के इस्लामाबाद इलाके से सामने आया है, जहां एक नौजवान द्वारा डॉक्टर के घर में लगी एसी की सर्विस की गई और जब इसके बदले में युवक द्वारा 3500 रुपये डॉक्टर से मांगे गए तो डॉक्टर द्वारा उक्त नौजवान पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामला दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं पीड़ित नौजवान द्वारा प्रेस वार्ता कर इस सारी घटना के बारे में जानकारी दी गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इंसीडेंट जी, मेरा एसी का काम है, असी इन्हों एसी ठीक किया, उस तो बाद इन्हों को पैसे लेने से तो इन्होंने फोन करके मेरे ब्रदर उ बुलाया कि तुम आ जाओ अपने पैसे ले लो एसी के। उ जाके इन्हें गाला कड़नी शुरू कर दी। ब्रदर ने कहा गाला ना कट, तू नहीं पैसे देने कोई गल नहीं। इन्हें उस टाइम ही अपनी रिवॉल्वर निकाली, यदि वाइफ ने कहा कट गोली गोली मार दे तू इन दे, कोई गल नहीं, इन्हें साढ़े को पैसे मंगने आए ये गोली मार दे। इन्हें साढ़े से 3 फायर किए हैं, मेरे ब्रदर ने भज के जान बचाई है, नहीं तो उस दिन गोली लग जानी। पुलिस को असं उस दिन रात में ही गए थे, उस तो बाद असी 10 दिन लगातार जाते रहे पुलिस स्टेशन से, पर उन्होंने साढ़े कोई सुनवाई नहीं की। अज अस इतने नहीं है, जब तुम राजीनामा कर लो। हाँ जी, की कारण की लगता कि पैसे दे करके? जी 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 सर जी, पैसे ही एक कारण है कि उन्होंने को हॉस्पिटल के मालक ने डॉक्टर साहब, उन्होंने को 4 पैसे है जी। हूँ भी वो बड़े टोर ना साढ़े गली विचों साढ़े बूहे को लंघते हैं, तो बल्कि हंस के जाते कि भी ताडे को तुसी साडा कुछ नहीं बिगाड़ सके, साढ़े को पैसे है। ये लव कुमार ने कंप्लेट की है जी इस्लामाबाद, डॉक्टर पृथ्वीराज है जिते रेंदे, उन्होंने लोगों उन्होंने वेख के फायर किए गए, जिस संबंध में मुकदमा नंबर 205 इस्लामाबाद थाने दर्ज कर दिया गया आर्म एक्ट के तहत। तो तफ्तीश साड़ी जारी है, तो जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। देखो जी वीडियो मेरे को आई, वो मुताबिक 2 फायर लगते हैं, बाकी इन प्रॉपर आप टैक्निकली चैक करा भी वीडियो ज कि अथेंसिटी कि है, तो वो मुताबिक कार्रवाई की। एक होर गल जी, जेकर व्यक्ति के खिलाफ पहला अपराधिक मामले दर्ज ने कि कहते हैं मैंटली भी डिस्टर्ब है, या फिर रिवॉल्वर जो लाइसेंस वो रद्द किया जा सकता जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, वेरीफाई करांगे असीं सारा ही भी उन्हें क्यों चलाई, उसकी मैंटल स्थिति की है, जो मैंटल स्थिति नहीं सही जो कोई ट्रीटमेंट कहते चलता तो वह मुकदमा बिल्कुल लाइसेंस जो कैंसल किया जाएगा। दोषियों फटन की शुरुआत बिल्कुल 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 जी, जल्द दोषी फड़े जाएंगे। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जालंधर ग्रामीण पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 68 मामलों से जब्त किए गए नशीले पदार्थों का निपटारा किया है। तो वहीं जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खक्के नेतृत्व में ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में नष्ट कर दिया गया। वहीं नष्ट की गई दवाओं में 62 किलो 300 ग्राम पोस्त, 932 ग्राम हेरोइन, 270 ग्राम नशीला पाउडर, 10 ग्राम गांजा, 850 ग्राम चरस, 290 गोलियां और 14 इंजेक्शन शामिल हैं। तो वहीं संबंधी जानकारी देते हुए SSP हरकमलप्रीत सिंह खक ने कहा कि मामले की संपत्ति को NDPS एक्ट की धारा के तहत ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसमें SP मुख्यालय और DSP मुख्यालय भी शामिल हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर ने शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। ये अभियान गत साय 5 बजे से रात 9 बजे तक संचालित किया गया। तो वहीं इस अभियान के दौरान जालंधर के PPR मॉल के पास यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नाकाबंदी की गई और वाहनों की सघन जाँच की गई। इस अभियान में पुलिस स्टेशन डिवीज़न नंबर 7 के SHO और जालंधर की ERS टीम ने सहयोग किया। वहीं नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने मुख्य रूप से उन दोपहिया और 4 पहिया वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही थी। इस अभियान के दौरान कुल 90 वाहनों की जांच की गई, जिसमें से 20 वाहनों के खिलाफ चालान किए गए। इनमें 6 चालान ट्रिपल लाइनिंग के लिए, 4 चालान बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए, 5 चालान बिना हेलमेट के वाहन चलाने के लिए और 5 चालान खिड़कियों पर अवैध काली फिल्म लगी होने के कारण किए गए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। Following the directions of CP Jalandhar, in order to spread awareness about traffic rules among the public and also to punish the defaulters,
PPR चौक ते एक स्पेशल ऑपरेशन नाका लगाया गया सी। ऑपरेशन दे दौरान डिवीजन 7 दे SHO अते ERS टीम एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया जिस दे विच 90 व्हीकल्स चेक कीते गए, जिस दौरान 20 चलान कीते गए, 5 ब्लैक फिल्म दे, 5 विदाउट हेलमेट दे, 6 ट्रिपल राइडिंग दे और 4 विदाउट नंबर प्लेट दे। जालंधर के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने जालंधर को अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए आम जनता से पूर्ण समर्थन और सहयोग की अपील की। तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने एक महीने की सहयोग मुहिम के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमिश्नरेट पुलिस द्वारा शहर में 850 संस्थाओं की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि इस एक महीने के दौरान पुलिस ने इन संस्थाओं के साथ 500 से अधिक बैठकों का आयोजन कर अपराध पर नकेल कसने के लिए उनका सहयोग लिया है। इन 500 से अधिक बैठकों के दौरान आम जनता के विचार लिए गए और फिर उन पर कार्रवाई भी की गई। वहीं उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए 3 श्रेणियों के आधार पर एक कार्य योजना बनाई गई है जिसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने जोर दिया कि इस बदलाव के लिए लोगों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी और पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल और संचार सुनिश्चित करना होगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ते इदा जड़ा असली सट्टा अगर तुसी कहो जिहड़ी पब्लिक दी सजेशंस आ रही हैं क्राइम नूं लेके, ड्रग्स नूं लेके, ट्रैफिक नूं लेके, वह बहुत रियलिस्टिक ते प्रैक्टिकल है। तो सानू ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पई, सिर्फ आपां थोड़ी सी रिसोर्सिज नूं रीओरिएंट किया तो वह रिजल्ट जरा वो दिख रहा है। ता ही इन्ने लोग आए थे अज्ज, ये हर एक सोसाइटी है जी। अज तो 500 साल पहला 500 साल बाद भी होना है। बस इशू यह है कि किन्ना आप प्रिवेंट कर सकी, साड़ी विजिबिलिटी कितनी है रोड्स पर। नंबर दो, क्राइम अगर हो जाता है तो उन्होंने आप कितनी जल्दी लीगली ट्रेस करिए ते लॉजिकल एंड ते लेके जाइए। यू आर सेफ एंड 24/7 पुलिस अवेलेबल है। थैंक यू। नवदुर्गा रामलीला समिति गली नंबर 3 संजय गांधी नगर जालंधर की तरफ से रामलीला का भव्य आयोजन 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक बेअंत सिंह पार्क नज़दीक फोकल पॉइंट जालंधर में किया जा रहा है। इस रामलीला के पहले दिन की शुरुआत नारद मोह के साथ हुई जिसके पहले दिन की शुरुआत कालिया कॉलोनी के फेज़ 1 के प्रधान रवि कुमार ने बतौर मुख्यतिथि शिरकत कर की। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान डॉक्टर सीताराम यशपाल ठाकुर, सुशील शुक्ला, महेंद्र राय, अशोक मिश्रा व शिव कुमार यादव की ओर से मुख्यतिथि को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला व दशहरा उत्सव का आयोजन 11 अक्टूबर तक रामलीला पार्क सोडर रोड जालंधर में किया जा रहा है। इसी के साथ ही 12 अक्टूबर को विशाल दशहरा पर्व रामलीला पार्क सोडर रोड में मनाया जाएगा। इसी संबंध में कमेटी सदस्यों की और से पूर्व मंत्री अवतार हेनरी, विधायक बाबा हेनरी, JMB ग्रुप के उद्योगपति बलराम कपूर, आप नेता अमित ढल, बॉबी ढल, उद्योगपति बलजीत सिंह बिट्टू को प्रधान सुखविंदर, कालिया पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, विकी शर्मा, सुनील विज, बिट्टू व रवि कुमार की ओर से निमंत्रण पत्र भेंट किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
नवे युवक मंडल रामलीला कमेटी सोडर रोड जालंधर की ओर से रामलीला का आयोजन रामलीला पार्क सोडर रोड में किया गया, जिसके पहले दिन की शुरुआत विषभ मोहिनी स्वयंवर एवं रावण अत्याचार के साथ की गई। इस रामलीला की पहली नाइट का शुभारंभ जेएमपी ग्रुप के जगमोहन शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस अवसर पर प्रधान सुखविंदर कालिया, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, विकी शर्मा, सुनील विजबिट्टू व रवि कुमार की ओर से मुख्य अतिथि को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आसन ग्रहण कीजिए। सब कुशल से तो हो राजन, और सुनाइए सब खैरियत तो है? नारायण नारायण नारायण। सब आपकी कृपा है महाराज, फरमाइए। आज हम गरीबों की याद कैसे आ गई? बस हम तो रंते जोगी हैं, घूमते फिरते इधर आ निकला। महाराज कभी यहाँ कभी वहाँ, नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि, अगर आप बुरा न माने तो राजकुमारी जी का हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए जाए। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं। नारायण नारायण नारायण। लाइए राजकुमारी जी, आप अपना बायां हाथ मुझे दिखलाइए। महाराज राजकुमारी तो बहुत ही भाग्यशाली है, ये नीचे किसी देवी का अवतार है। इनका विवाह साक्षात भगवान विष्णु से होगा। नारायण नारायण। भगवान करे आपकी वाणी सत्य हो देव ऋषि। भगवान की लीला का भेद कौन पा सकता है महाराज। अच्छा अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। खुश रहो राजन,
ओ भज मन नारायण नारायण हरी हरी ओ भज मन नारायण नारायण हरी हरी। मुबारकें देता हूँ और इस रामलीला के आयोजन के लिए जो ये लगातार कार्य करते रहे हैं उसके लिए सभी मेंबर्स जो है वो बधाई के पात्र हैं और जितने भी पुराने साथी संबंधी हमारे रिंकू जी जैसे हैं तो हम लोग इकट्ठे काम भी करते रहे हैं और DMP ऐसे कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हमेशा जो है साथ देता है। यहाँ पे भी कहीं भव्य भगवान जी की तरफ उनका झुकाव बहुत है और बलराम जी बल्लाज जी जितेंद्र जी इन सबका बहुत योगदान रहा है हमेशा ऐसे कार्यों में भाग लेने का और इनको आगे बढ़ाने का। तो मैं JMP परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ नवयुवक मंडल का और भगवान श्री राम के चरणों में सबकी हाजिरी आपकी भी लग रही है तो इसी के साथ एक जयकारा लगाते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। सिद्ध शक्तिपीठ श्री दिव्य तालाब मंदिर के प्रांगण स्थित श्री राम मंदिर में संतों के आशीर्वाद से श्री हनुमान चालीसा के 108 करोड़ पाठ संकल्प के शुभारंभ परम पूजनीय संत स्वामी कृष्णानंद महाराज के पावन सानिध्य में शुरू किए गए जो कि हर मंगलवार को सायं 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक किए जाएंगे जिसके पश्चात विशाल भंडारी का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कोड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद वीनू सहगल गोपाल पांडे बिनी सवरिया चंद्र कन्हैया डोली राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बैल मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। माँ की ज्योति जलाओ,
बहुत ही सुंदर संकीर्तन शंकी सहगल जी का, बहुत सारी माया हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जीरा में घरेलू विवाद ने धारण किया खूनी रूप, एक व्यक्ति की हुई मौत। जालंधर के गांव रायपुर रसूलपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों ने हत्या का लगाया आरोप। ਬੁਲਾਇਆ।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।